ones have beautiful colors. हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और ये एक स्पेशल ब्लॉग है आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी डॉटर की एक साल की जर्नी जो उसकी फर्स्ट स्कूलिंग शुरू की हमने सिटी मोंटेसरी स्कूल CMS लखनऊ गोमती नगर एक्सटेंशन पर 2 जो करके कैंपस है उसके अंदर जो उसका दिन था रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का। रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन को स्कूल ने कैसे लिया, स्कूल ने उसको बना दिया डिवाइन सेमिनार। डिवाइन सेमिनार में उस दिन जो स्कूल की जो थीम है, स्कूल की जो प्रेयर है, स्कूल की जो वैल्यूज हैं उसको कैसे हमारे सामने शोकेस किया गया और हम जो रिपोर्ट कार्ड हमसे शेयर किया गया एक पूरा बिग एनवेलप उसके अंदर क्या क्या मिला और जो एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड वो क्या था, उससे क्या मैंने समझा, क्या मैंने रिफ्लेक्ट किया, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये कास्वी से है, कास्वी कास्वी का ये फर्स्ट ईयर था स्कूल का। यहाँ CMS में प्राइमरी में 3 क्लासेस उन्होंने ले रखी हैं। प्राइमरी में 3 क्लासेस को वो लेकर चलते हैं, एक तो मोंटेसरी, नर्सरी और फिर KG। तो कास्वी की जो लॉकडाउन के टाइम चल रहा था कास्वी भी 4 to 5 ईयर की हुई थी तो नर्सरी इज़ द राइट एज, जैसे हम मेरे माइंड में भी था ये, मैं भी एक एजुकेटर हूँ और इनकी मैडम ने जो काउंसलर थी उन्होंने मैं सजेस्ट किया कि ठीक है। तो कास्वी को हमने 4 to 5 ईयर के हिसाब से नर्सरी में रखा और अभी कास्वी 5 ईयर की हुई है लास्ट मंथ, अभी कास्वी KG में प्रमोट हुई है। तो जो मुझे जिसने मुझे अपील किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जनरली जब हम स्कूलिंग में असेसमेंट के ऊपर बात करते हैं कि ECE में अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या सिखाया जाए, जैसे निपुण भारत या NEP एक साथ देख रही है शुरू के 3 साल के स्कूलिंग ECE के और क्लास 1 and 2 को FLN में, तो जो FLN के लक्ष्य निर्धारित किए हमने और अब मैं बात कर रहा हूँ CMS में नर्सरी में कास्मी ने क्या सीखा है। तो मैं आपको उन्होंने हमारे साथ शेयर किया उसमें काफ़ी क्या क्या चीज़ें हैं एनवेलप में। एक तो ये फाइल है, ये कास्मी का एक पोर्टफोलियो है, जिस पोर्टफोलियो की हम बात करते रहते हैं कि एक पोर्टफोलियो साथ में स्मॉल वीडियो में आप चल भी रहा है, आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं उसके बारे में। तो मैं पब्लिक एजुकेशन के लिए काम करता हूँ, मैं लास्ट 13 ईयर से पब्लिक एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए राजस्थान में, गुजरात में काम किया है, अभी UP स्टेट के साथ निपुण भारत सेल का हिस्सा हूँ, अभी UP स्टेट के लिए काम कर रहा हूँ, मैथ का रिसोर्स पर्सन हूँ। तो यहाँ जो मुझे अपील किया कि एक हमारे साथ शेयर की गई है पोर्टफोलियो फाइल, अभी जो होली आने वाली है अपकमिंग फेस्टिवल तो उसके अराउंड उसको सजाया गया, उसके अंदर जो भी मेजर टेस्ट हुए हैं, वर्क हुए हैं, एक्टिविटी हुई हैं, असेसमेंट सीट एंड एक्टिविटी सीट्स को मिलाकर एक दे दी गई है पेरेंट्स को, उसमें ग्रेडिंग दे रखी है, बच्चे जो काम किया है हम आराम से देख सकते हैं उसे। साथ में दिया गया एक रिपोर्ट कार्ड जिसमें उसके बारे में प्रोग्रेस, इसलिए मैं ये शेयर करना चाह रहा था, जो NEP होलिस्टिक असेसमेंट की डिमांड करती है, बात कर रही है, जो कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की और निपुण भारत एजुकेशन की हमने बातचीत शुरू की है, तो इस CMS में हमने देखते हैं कि जो इनका रिपोर्टिंग कार्ड है शुरू में एक जनरल सेक्शन है जहाँ बच्चे की सब नेम, क्लास, अटेंडेंस, एड्रेस वगैरह जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद जो पहला डोमेन लेके गए हैं ये सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, उसके अंदर इंडिपेंडेंट, फॉलो डायरेक्शन, पार्टिसिपेंट इन पेयर ग्रुप एक्टिविटीज, सो केयर फॉर मटेरियल, नो अबाउट सेल्फ सर्किल, सेफ सर्किल्स। तो आप देखेंगे कि अब यह अचीव कैसे किया, तो इसके लिए कोई इन्होंने कोई अलग से क्लास नहीं चलाई है, इन्होंने न्यूमेरेसी पे काम किया है, इन्होंने कम्युनिकेशन पे काम किया है, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई है, एक्टिविटीज कराई हैं क्लास के दौरान बच्चों को, राइम्स जो करिकुलम था उसके हम अलग से बात करेंगे, पर उनके थ्रू जो अचीव करना चाह रहे थे वो मार्कशीट निकल असेसमेंट पर निकल के आ रहा है। तो असेसमेंट होलिस्टिक है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के सेक्टर किन किन चीज़ों को देखा गया है, पूरे साल भर टीचर ने किस पर ध्यान रखा है वो हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो डोमेन है सेल्फ हेल्प स्किल्स, टेक केयर ऑफ बिलोंगिंग्स, पर्सनल हाइजीन, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, इस तरह कंपोनेंट को सेल्फ केयर हेल्प में रखा गया है। नेक्स्ट जो इन्होंने डोमेन है स्पीच एंड लैंग्वेज, रिसेप्टिव एबिलिटी, स्पीक इन फुल सेंटेंसेज, अब मैं बात कर रहा हूँ नर्सरी की, ये भी ध्यान रखना नर्सरी के डोमेन में रखा गया है, यूजेज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग्स, डेमोस्ट्रेट इंटरेस्ट इन लिसनिंग, ये स्पीच एंड लैंग्वेज में। फोर्थ द डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट, तो उसमें 2 पार्ट हैं, ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन। ग्रोस मोटर कोऑर्डिनेशन में वॉकिंग इन ए लाइन, रनिंग, जंपिंग, एंड फाइन मोटर में ड्राइंग एंड कलरिंग,
पेपर कटिंग, टेयरिंग, पेस्टिंग, हैंडलिंग, मॉडलिंग मटेरियल, एबिलिटी टू यूज क्रेयंस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, एक्सरसाइज टू प्रैक्टिकल लाइफ और मॉन्टेसरी एपरेटस को रखा गया है। नेक्स्ट डोमेन, फिफ्थ डोमेन है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसमें डेमोस्ट्रेट गुड अटेंशन स्पैन, एसिमिलेट एंड यूज इंफॉर्मेशन, रिकॉल्स एंड एंजॉय राइम्स एंड स्टोरी। सिक्स बैक फिफ्थ पांच जो है डोमेन फर्स्ट फ्रंट पेज पे दिए गए हैं, तो बैक साइड में भी रिपोर्ट कार्ड कंटिन्यू होता है। सिक्स डोमेन है स्पेसिफिक स्किल्स, उसमें तीन सेक्शन है। पहला सेक्शन है रिकॉग्नाइज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन कलर्स, शेप एंड साइज, लेटर्स एंड साउंड, ऑब्जेक्ट्स एंड नेम्स, अंडरस्टैंड कंसेप्ट। बी सेक्शन हैंड्स ऑन मैथ, मेंटल मैथ, काउंटिंग, नंबर वैल्यूज, ये शामिल किया गया है। राइटिंग स्किल में कैन कॉपी पैटर्न्स, राइटिंग ऑफ लेटर्स, राइटिंग ऑफ नंबर्स को शामिल किया गया है। सेवन जो डोमेन है करेक्टर डेवलपमेंट, पंचुअलिटी, बिहेवियर एंड कंडक्ट, एटिक्वेट एंड मैनर्स, रेगुलरिटी, प्रेयर एंड हाइम्स, प्लेज, केयर ऑफ एनवायरमेंट, शेयरिंग शामिल किया गया है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एट डोमेन में शामिल किया गया है करिकुलम इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव गेम्स, सर्कल टाइम, रोल प्ले, रीडिंग, फोनिक्स, साइंस एक्सपेरिमेंट, सिंगिंग एंड डांसिंग, गार्डनिंग, स्कूल टिप्स एंड फील्ड टिप्स। तो ये आठ डोमेन्स में बच्चों को पूरे साल टीचरों ने गाइड किया, बच्चों ने एक्टिविटी की, इंगेज रहे, और उसके बाद बच्चों उनकी रिपोर्ट कार्ड में लिखा है जो काफी ई लिखा है। तो उन्होंने सिंपल, जैसे हम मार्क्स देते हैं, गुड देते हैं, एवरेज देते हैं, तो इनका ई का मतलब क्या है, इन्होंने सब बच्चों को ई, एम या ए। ई मतलब एक्सीड एक्सपेक्टेशन, एम ई मीट एक्सपेक्टेशन, ए अप्रोचिंग एक्सपेक्टेशन है। जो बच्चा अभी जो हम अपेक्षा है, क्लियर एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, हमें पता है ये जो रिपोर्ट कार्ड भी पैरामीटर थे आठ डोमेन देखे, तो उनकी ओर बढ़ रहा है। अभी वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, पर वो एफर्ट लगा रहा है। हर बच्चा यूनिक होता है, अपने पेस से सीखता है, तो इसी अप्रोच से वो ए ही है। अगर वो जो जितना हम सोच के चल रहे हैं कि इस एज में, इस क्लास में इतना बच्चे को आ जाना चाहिए, तो वो एम ई है, और उससे अच्छा कर रहा है तो ई है, एक्सीड एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद एक और सेक्शन पेरेंट इन्वॉल्वमेंट का दे रखा है कि पेरेंट टीचर मीटिंग, पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज, रीडिंग लॉग, डायरी मेंटेन कीने की, लास्ट में टीचर रिमार्क है। एक कास्बी के लिए रिमार्क है, कास्बी अराइव एट स्कूल ईच डे विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, रेडी टू लर्न, काइंडली एनकरेज योर चाइल्ड टू प्रैक्टिस रिटर्न वर्क रेगुलरली, प्रमोटेड टू, लिखा हुआ है किंडरगार्टन सी, स्कूल रीओपन कब होगा और टीचर्स के साइन है और पेरेंट सिग्नेचर की जगह वहाँ छोड़ रखी है। तो ये तो रिपोर्ट कार्ड था। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्यों इस पर जब मैं रिफ्लेक्ट किया कि वो किस तरह से बच्चों की प्रोग्रेशन को या बच्चों की पूरी जर्नी को एक साल कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे आठ डोमेन्स में देखकर स्कूल देख रहा है और आठ डोमेन्स में जो उन्होंने पॉइंटर्स निकाल रखे हैं वो कितने फाइनर हैं। और जब हम एजुकेशन में काम करते हैं, मेरे चैनल पर अधिकतर एजुकेटर्स या लर्नर्स हैं जो आप लोग हमेशा सीखते रहते हैं या अपने बच्चों के साथ कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट इनोवेशन करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि नर्सरी में हम इतना होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के साथ यहाँ पर आए हैं, यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमारे पास गेन करने के लिए हैं। हम कुछ अच्छा पहले से करते आ रहे हैं और कुछ अच्छा हम यहाँ से देख कर सकते हैं, तो हम करें, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। सेकंड जो मैंने पहले भी शेयर किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जो पोर्टफोलियो फाइल है, पोर्टफोलियो फाइल और इसमें कैसे उन्होंने व्यवस्थित किया है असेसमेंट शीट्स को, एक्टिविटी शीट्स को। दूसरा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप देख रहे होंगे जो असेसमेंट शीट्स हैं नर्सरी क्लास में, इनके जो सिलेबस में फिट जो स्टोरी बुक्स होती हैं, इस बुक्स की स्टोरी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी है, पिक्चर यानी जो चाइल्ड अप्रोप्रिएट होता है कि पिक्चर को ज्यादा स्पेस मिलता है, स्मॉल स्मॉल टेक्स्ट है, वो भी राइम बेस्ड है, जिसे हम डिकोडेबल टेक्स्ट बोलते हैं, गढ़े गए हैं। और सरप्राइजिंगली जो हम लोगोग्राफिक बटन, लोगोग्राफिक टेक्स्ट की बात करते हैं, तो मैंने वो कास्बी की जर्नी में देखा, कास्बी कैसे बुक्स को रीड कर पा रही है, पहचान पा रही है कैट छोटे छोटे स्मॉल टेक्स्ट को। और ऑल्दो मैं जानता हूँ कि वो अभी रीडिंग जिसे हम कहें वहाँ नहीं पहुँची है, पर वो इन स्टोरीज को बार बार स्कूल में पढ़ाया गया है, हमने घर पे उसके साथ काम किया है, तो वो पढ़ पाती है, शायद वो यही टेक्स्ट पढ़ पाएगी। पर उसके एग्जाम में फिल द ब्लैंक्स आए, है ना, और आप देख रहे होंगे कि कैट का चित्र बना हुआ है, इसका राइम बताना है बच्चों को, चित्र कैट का है। तो एक और हायर लेवल के सवाल हैं, पैट रैट फिग, यानी बच्चों कैट फाउंड करना है, कैट का जो राइम है वो रैट है, इस तरह करना है। जैसे अगर यहाँ पे डॉग बनाया है पिक्चर में, तो डॉग को देखकर इसका राइम छाटना है, हट सेट लो। तो ये स्किल्स नर्सरी के अंदर बच्चों के अंदर आ जाना, तो इसको मैं सल्यूट करता हूँ उनकी
पूरी जर्नी को किस तरह स्कूल लेके गया है, और जो हमारे जो हम स्कूलिंग में काम कर रहे हैं कैसे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं कि हम कैसे स्कूल में अपने प्लान करें, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी जर्नी को एनुअल में, कि हम इस तरह के कॉम्पिटेंसीज बच्चों को सिखा सकें। क्योंकि जनरली जब मैं डायलॉग करता हूँ हम अपने टीचर्स के साथ में इन पब्लिक एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्कूल के, तो हमारा जो बिलीव होता है कि बच्चे क्लास वन में है नहीं सर अभी तो हम ये पढ़ ही नहीं पाएंगे, अभी वो स्मॉल कहानी बल्ड प्रॉब्लम उन्हें नहीं दे सकते हैं, जैसे गणित में हम बात करते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्स्ट ही पढ़ना नहीं आता है ना, या ये हैवी टेक्स्ट कुछ इस तरह के पजल्स देना चाहते हैं हम जिसमें कुछ ज़्यादा सोचना पड़ता है, नहीं नहीं अभी तो वो सिंपली नहीं समझ पाते हैं तो वो कैसे पढ़ पाएंगे। तो पूरा मेन जो वीडियो थी कि जो हमारी जो बायस है, जो हमारे जजमेंटल हो गए हैं हम लोग, ये हमें नहीं पता हम कैसे हो गए, या हमारे कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ बच्चों को हमने देखा है, कुछ पेरेंट्स को हमने देखा है कि उनको डायलॉग करना शायद हमारे साथ लिए स्ट्रगलिंग रहा होगा, चैलेंजिंग रहा होगा। तो हमने जो जनरलाइज कर लिया है कि बच्चों को सीखना कठिन है क्योंकि पर्टिकुलर क्लास के आते हैं, इनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, प्राइवेट स्कूल के पेरेंट बहुत सपोर्टिव होते हैं, इनमें बहुत सारी बातें सच भी है क्योंकि बिना कुछ सच हुए इतने ज़्यादा जनरलाइज नहीं होते, हम लोग इसको बिलीव नहीं करते, यानी हम एक दो चीज़ें इसमें टिक लगता है, हाँ ठीक है ठीक है, हम होल पिक्चर जनरलाइज कर लिया हमने कि सब बच्चे ही ऐसे होंगे, सब बच्चों को चैलेंज आएंगे, सब पेरेंट्स ही सपोर्टिव नहीं होंगे, या इनके पेरेंट्स घर पे सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं कर रहे होंगे, तो ये मेरा कंसर्न है। तो इससे हमें बाहर निकलना है, कैसे इसका सोल्यूशन अभी मेरे पास भी नहीं है। हम डायलॉग करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, पर जब मेरा अपना रिफ्लेक्शन है कि जब हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो थॉट है कि ये पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, या ये पेरेंट्स घर पे कुछ जो हम होमवर्क देते हैं उसमें हमारे बुलाने पर नहीं आएंगे, जब हमें मीटिंग के ये केवल पैसे लेने आएंगे, ये केवल मीटिंग को जिन्हें इन बच्चों को दे रहे होंगे तभी आएंगे, एकेडमिक पर्पज से नहीं आएंगे, ये घर पे इन पर टाइम ही नहीं है, अपने काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये कम्युनिटी इनके बच्चों की एजुकेशन को इस तरह देखता है, तो केवल बस पढ़ाना चाहते हैं, पर ये हम कुछ हमारे स्टोरी टाइप मिथ हमने सोच रखे हैं बच्चों के बारे में भी कि ये वर्ल्ड प्रॉब्लम क्लास एक में नहीं पढ़ पाएंगे, ये बहुत हायर लेवल का सवाल हो चुका है, इस सवाल बच्चों को नहीं देना चाहेंगे। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चे यूनिक हैं, सब बच्चे सीख सकते हैं, अगर ये मानते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, अभी तक जो रिजल्ट नहीं मिले हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कल भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कल जो अब मुझे स्टूडेंट के साथ आज काम कर रहा हूँ वो मुझे बेहतर, अब मेरा बिलीफ डिपेंड करता है बिलीफ पर, उस पर सब कुछ है कि मेरे एफर्ट, मेरे जो प्रयास हैं, मेरी जो स्ट्रेटजी है मेरे बिलीफ से आती है, तो मुझे बिलीव करना ही होगा कि जो कम्युनिटी है, ये जो बच्चे हैं सीख सकते हैं, और हम इनके लिए कुछ चैलेंजिंग मटेरियल, चैलेंजिंग क्वेश्चन, सिचुएशन क्रिएट करेंगे और हम एफर्ट लगाएंगे कि कम्युनिटी भी जुड़ेगी और रिजल्ट आएंगे। ये सब ये मेरा बिलीफ है, इसलिए मैं अब मेरे चैनल पर आप देखेंगे इस तरह हम मैं रिसोर्सेज शेयर करता रहता हूँ, जो हम सब मिलकर एक लर्निंग कम्युनिटी खड़ा कर सकें और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन हमारे देश के सही बच्चों को मिल सके, जो हम सबका सपना है, इसीलिए हम सब आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल में ओपन डिस्कोर्स इस ब्लॉग बनाने का पर्पज यही है कि जो रिपोर्ट कार्ड मैंने अपने बच्चे का शेयर किया, मैंने देखा उसकी जर्नी को, और थीम थी इस प्रोग्राम की कि यूनिटी, ऑल रिलीजियस का जो मोटो है वो सेम है, यानी नर्सरी के प्रोग्राम में इस बच्चों को अभी से वैल्यू इनकल्केट करने की कोशिश की जा रही है, एंड ग्लोबल इश्यूज को टच किया जा रहा है, एनवायरमेंट के, यूनिटी के ऊपर, आर रिलीजियस जो है सभी रिलीजियस का जो पर्पज है वो एक ही होता है कि हम सब एक दूसरे को समझें, और तीसरा कि स्पिरिचुअलिटी, हम सेल्फ को जानें, गॉड को जानने का प्रयास करें कि हम क्यों आए हैं, इस तरह का ताना बान, तो इस तरह के मैसेजेस क्लियर स्टेज से उनके लेक्चर्स में आ रहे थे, यानी विजन उनका बिल्कुल क्लियर था कि वो जो स्कूल है वो स्कूल को एक लाइट हाउस की तरह इमेजिन कर रहे हैं कि स्कूल इज ए लाइट हाउस, और तीन लेवल पर वो देख रहे हैं कि पहला जो है क्लासरूम, पहला जो क्लासरूम बच्चे की वो होम है, तो पेरेंट्स का वो अपील कर रहे हैं, उनको हैमरिंग कर रहे थे मैसेज की कि आप लोगों का तो रोल है और आप लोग जान लीजिए कि बच्चों को इन तीनों पर्सपेक्टिव पे आगे बढ़ाना है, ह्यूमैनिज्म पे भी, सोशल पे भी और डिवाइन पे भी, है ना। और उन्होंने बता दिया कि उनके वैल्यू के हमें पेरेंट्स के, जो हमारे इंडियन कल्चर है कि अपने पेरेंट्स की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, टीचर की या सोसाइटी कैसे काम आना है, हमें इस तरह का पर्सन हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स आपको सपोर्ट की डिमांड भी की उन्होंने कि आपको करने करना है। दूसरा स्कूल, फॉर्मल एजुकेशन का जो रोल होगा बच्चे की ग्रोथ में, वो बच्चे का सेकंड स्कूल है, और थर्ड स्कूल जो है बच्चे का पूरी सोसाइटी है। जब तीनों मिलकर काम करते हैं तभी बच्चा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है।
कोई भी फेल हो रहा है, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्कूलिंग में अच्छी नहीं हो रही है, सोसाइटी में उसके आसपास का माहौल ठीक नहीं है, जो सोसाइटी का एक्सपोजर मिल रहा है, तभी वहां पर ये तो ट्रायंगल मैंने क्रिएट किया जो स्कूल की तरफ से उस डिवाइन में हमें सब मैसेज दिया गया था, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो बहुत ही एक बेहतर विजन के साथ स्कूल को आगे लेके जा रहे हैं। तो अब इसमें से हम क्या ले सकते हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश, कहीं मदर्स को बुला रहे हैं, कहीं पेरेंट्स को बुला रहे हैं, कभी बच्चों के साथ जो डिफरेंट डे होते हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके अंदर का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जैसे मैंने रिपोर्ट कार्ड बताया कि इन 8 डोमेन में काम हो रहा है, टाइम टाइम पे वो एक्टिविटी इंगेज कर रहे हैं बच्चों के साथ में, डिसिप्लिन, पानी की बोतल बाहर रखनी है, क्लास के अंदर राइम्स होनी डेली, बिफोर क्लासरूम स्टार्ट, ड्यूरिंग क्लासरूम, आफ्टर स्कूलिंग, और डेली एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कम्युनिकेशन टीचर और पेरेंट्स के बीच में हो रहा है। वो बहुत ही शानदार रहा, पूरे साल का एक्सपीरियंस बहुत ही रिच रहा। उसको वीडियो की लेंथ को देखते हुए ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पर मैं हिंट दे रहा हूं कि वो किस तरह वो पूरे साल उन्होंने मैनेज किया टीच मैडम्स ने, और ग्रुप ऑफ मैडम्स था तो जो इनकी क्लास टीचर थी और उनके जो असिस्टेंट टीचर थी उन दोनों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हो पाता था। डेली वो ग्रुप मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है, वन टू वन टॉक हो रही है। तो कभी कभी करिकुलम मुझे लगा कि नर्सरी में बहुत ज़्यादा करिकुलम हो जा रहा है ये, कि अभी से उन्हें काउंटिंग, बैक काउंटिंग, 100 तक काउंटिंग सिखा दी गई है। और जैसे मैं हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहले हम कंक्रीट सिखाएंगे फिर हम धीरे धीरे इस लेवल में आगे बढ़ेंगे, पर मैं ये भी पाया कि बच्चे सीख रहे हैं, कास्वी और कास्वी के साथ के बच्चे सब काउंटिंग सीख रहे हैं। तो इस पर भी रिफ्लेक्ट करने की जिस अप्रोच को हम लेकर चल रहे हैं मानते हैं, उन्हें भी जज करना चाहिए कि आजकल बच्चों का एक्सपोजर बदल रहा है, जो हमारे तरीके हैं ट्रेडिशनल, और हम भी सोच रहे हैं कि ये अप्रोचेज काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। तो इन थ्योरीज बनी हैं तो उनको रिस्पेक्ट है, उनको ये नहीं कह रहा हम डिनाई कर दें, पर हमें लगातार नया सोचते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरे पर्सनल लर्निंग की मैथमेटिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई कि जो कंसेप्ट ऑफ जीरो है उसमें काफ़ी हायर एब्स्ट्रैक्शन है, और जो प्लेस वैल्यू है, इन दो को हम बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करना कर देते हैं अपने, जब हम सिलेबस बनाते हैं, जब हम करिकुलम को डिफाइन, जब हम करिकुलम में इनको ब्रेक करते हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि हम वहाँ जल्दबाजी कर रहे हैं। इस पर आप लोग रिफ्लेक्ट कीजिए कि कंसेप्ट ऑफ जीरो और प्लेस वैल्यू को किस तरह डील किया जाए फाउंडेशनल स्टेज में, किस क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाए, और क्या प्रोग्रेशन लेने चाहिए। काउंटिंग यानी 1-9 पर जा चुके हैं जनरली सब लोग, वहाँ जीरो इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर और जीरो को लेट कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू को तो हम बिल्कुल देर ले जा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ कि बच्चे बिना जीरो को जिस तरह फॉर्मल इंट्रोडक्शन के और प्लेस वैल्यू की यानी इकाई, धाई, खुले, बंडल के बिना भी अपने लाइफ में उनका एक्सपोजर है, वो अपने घर में भी यूज कर रहे हैं लार्जर नंबर्स को, और क्लास में सीख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, है ना, फैमिलियर हो चुके हैं नंबर से। अब इसमें क्वांटिटी के साथ कितना उनके विजुलाइज हो पाता है, एस्टिमेट होता है, वो डाउट है कि कितना सीखा है, पर जैसे जो हमें टास्क होता है कि वो काउंटिंग को ओरली सुना पा रहे हैं और उसको लिख के दिखा पा रहे हैं, जो ये टेस्ट इसका, इतना मैंने बच्चों में होते हुए देखा है नर्सरी क्लास में। अभी बच्चे केजी में आ रहे हैं तो हमारे स्टाफ में हम लोग बात भी कर रहे थे कि केजी में इतना कुछ सिखा दिया इन्होंने तो, है ना बच्चे, तो ये फिफ्थ में क्या सिखा रहे होंगे। इतना ही, मैं 3 मैसेज आज भी आपको देना चाह रहा था। एक तो असेसमेंट का जो इन्होंने एक आर्किटेक्चर रखा है 8 डोमेन्स में नर्सरी क्लास के अंदर, और उसके जो कंपोनेंट्स रखे हैं वो मुझे बहुत अपीलिंग की होलिस्टिकली। दूसरा, जो पूरे साल कम्युनिटी कनेक्ट किया है ना अलग अलग वेरियस इंगेजमेंट के द्वारा, और जो ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड शेयर किया हमारे साथ में बच्चों को, एक्टिविटीज और असेसमेंट सीट, ट्रांसपेरेंसी रखी ये। और तीसरा, जो क्लियर विजन है स्कूल का, वो डे फर्स्ट से लेकर उनके हर एक्टिविटी में, हर कम्युनिकेशन में दिखाई देता है, ह्यूमन बीइंग, सोशल बीइंग और डिवाइन, जो अधिकतर मैं स्कूलों में मिस करता हूँ, नहीं देखता हूँ कि हम कैसे वो डे वन से ही, वो मोंटेसरी क्लास से ही ये स्कूल वाले इसको हैमरिंग कर रहे हैं मैसेज को, जो स्पिरिचुअलिटी है ना, इसको भी शुरू से लेकर चलना होगा। 3 डोमेन्स में ही हम बच्चे को आगे लेके जाएंगे। तो ये मेरी लर्निंग है, मैंने आपके साथ साझा की। अब कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत। बाय।